आज नगर बनखेड़ी के वार्ड नंबर 10 में सांसद निधि से बनने वाली सीमेंट रोड का भूमि पूजन किया गया। इस उपलक्ष में भूमि पूजन के दौरान नगर अध्यक्ष काशीबाई पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुंजीलाल पटेल, नगर परिषद सीएमओ राजेंद्र कुमार शर्मा, वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद सुरेंद्र कुमार साहू, पार्षद संजय कुमार जैन, वसुंधरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक प्रशांत पचौरी, प्राचार्य वंदना पचौरी एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रमेश पटेल के साथ बड़ी संख्या में नगर के नागरिक उपस्थित हुए। गौरतलब है कि सांसद निधि से बनने वाली इस सड़क का निर्माण मुख्य सड़क से वसुंधरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर किया जाना है। वहीं भूमि पूजन के दौरान वसुंधरा पब्लिक स्कूल के संचालक प्रशांत पचौरी की दरियादिली सामने आई। जब मिठाई वितरित की जा रही थी तो उन्होंने उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों को मिठाई वितरित की जाए, इसके बाद अन्य लोगों को दी जानी चाहिए। उनकी सलाह को सभी ने स्वीकारा एवं सराहना भी की। ये सांसद निधि के तहत ये रोड हमारा स्वीकृत हो गया है। ये लगभग 2 लाख का रोड है और सुबी ट्रेडर्स के जो ठेकेदार हैं उनके नाम ये केस मंजूर हुआ है और ये हम बहुत जल्दी काम प्रारंभ कर रहे हैं। कितनी निधि आने वाली है? ये 2 लाख का तो अभी पैसे आ चुके हैं हमारे पास और इसके टेंडर भी जारी हो गए हैं। और आज ही हमने एक रोड का और रैतवाड़ा में वार्ड नंबर 3 में वहीं भूमि मिल गया, वहाँ भी 3 लाख का रोड है, विधायक निधि के माध्यम सांसद निधि से वही मंजूर हुआ है। और आज जितने भी, क्योंकि परिषद का अंतिम कार्यकाल है, जितने भी इनके कार्यकाल में रोड स्वीकृत हुए हैं, टेंडर स्वीकृत हुए हैं, उनके सारे भूमि पूजन करके आज लोग कार्य प्रारंभ करा रहे हैं। वहीं सड़क निर्माण के लिए वसुंधरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक प्रशांत पचौरी एवं प्राचार्य वंदना पचौरी ने सड़क निर्माण के लिए क्षेत्र के सांसद राव उदय प्रताप का आभार व्यक्त किया। सर, आज मैं बेहद खुश हूं क्योंकि यह रोड स्टेट हाईवे से वसुंधरा स्कूल की ओर बनने वाली है और इस रोड के लिए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री उदय प्रताप जी की तरफ से सांसद निधि से राशि आवंटित की गई थी और इसके लिए हम सब वसुंधरा परिवार के सदस्य हमारे श्री सांसद जी की तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस तरह से हमारे स्कूल और हमारे लिए सहयोग दिया और भविष्य में भी हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह सहयोग दे करके हमारे बच्चों के लिए आगामी समय में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते रहेंगे।